जब आपकी कदर किसी अपने को ना हो तो इंसान दुनिया का कोई दरवाजा नहीं होता जिसे खोलकर उससे बाहर निकल जाएं। दुनिया की सिर्फ खिड़कियां होती हैं जिनसे हम बाहर झांक सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये खिड़कियां दुनिया से बाहर के मंजर दिखाती हैं, बाज़ दफ़ा ये अपने अंदर के मंजर दिखाने लगती हैं, मगर रिहाई या फरार में कभी मदद नहीं देती। लोग मान तो रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप किसी को अपना समझ लो और फिर वहीं से ही आपका मान टूटे तो बहुत तकलीफ होती है। कोई दिल दुखा दे बर्दाश्त हो जाता है, पर हर जख्म का बायस ही वो बने जिसे मरहम समझा हो तो दिल टूट जाता है। लोग अहमियत ना दें मसला नहीं, लेकिन जब आपकी कदर किसी अपने को ना हो तो इंसान अपनी नज़रों से गिर जाता है। सच कहते हैं, लोग इतनी तकलीफ़ नहीं देते, तवक्कात तकलीफ़ देती है, लहजे तकलीफ़ देते हैं, बातें देती हैं तकलीफ़, और इस हद तक कि वो मान फिर मान नहीं रहता। दुख की सख्तियाँ चेहरों से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर उतर कर गोशे गोशे को वीरान कर देती है। हर लहजा बदलने वाला जालिम भी नहीं होता, कभी कभी अज़ियत का बड़ा हिस्सा उसी के हिस्से में आता है। मरने वाले को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उन्हें समझने वाला एक भी नहीं मिलेगा। हम फानी मोहब्बतों के पीछे भागकर जब खाली हाथ रह जाते हैं तो तब याद आता है बस खुदा और उसकी मोहब्बत। पूरी कायनात के गिर्द भूखा प्यासा और मुसलसल सफ़र करने से इंसान को इतनी थकन नहीं होती जितना उसे अपनी ज़ात की तलाश के सफ़र में उठाना पड़ती है। खुद को देखने के लिए आईने का नहीं अपने ज़मीर का इंतखाब कीजिए, शफाफ दिखाई देगा। हर एक की ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती, किसी का शायद और किसी का काश ख्वाहिश बनकर साथ रह जाता है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ो, जो इतनी बड़ी कायनात को इतने खूबसूरत रंगों से भर सकता है। तो क्या उसे तुम नज़र नहीं आ रहे? क्या वो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही बेरंग रहने देगा? चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर के वापस अपने बनाने वाले अल्लाह के पास लौट जाता है। बस अपने रब्बुल आलमीन पर कामिल यकीन रखो, इंशाअल्लाह वो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे पसंदीदा रंगों से भर देगा।